नमस्कार, आप देख रहे खबर मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज होगा उन 5 दोषियों को सजा। आखिर आज वो पता चल ही जाएगा कि वो 5 लोग कौन था जो सुशांत सिंह राजपूत के घर 13 जून की रात आया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब सीबीआई की टीम कहीं ना कहीं उन लोगों की खोज कर रही है जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचा था। ये बड़ा खुलासा जो कि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने की है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब सिद्धार्थ पिठानी कहीं ना कहीं सीबीआई का साथ देने लगा है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो सीबीआई को हार्ड ड्राइव दिया है, उस हार्ड ड्राइव के वजह से ही अब उन 5 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है जो लोग कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के घर 13 जून की रात आया था। अब बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सिद्धार्थ पिठानी के पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो कि वो अब धीरे धीरे सीबीआई के सामने बयान देता जा रहा है। सिद्धार्थ पिठानी का ये भी कहना है कि जब सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत सिंह राजपूत 13 जून की रात बातचीत कर रहे थे, उसी समय अचानक 5 लोग वहाँ पर आ पहुँचे और बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन लोगों ने हाथापाई की। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का जो लैपटॉप था, उनमें से सारा का सारा चीज फॉर्मेट कर दिया गया था। आखिर उन लोगों का मंशा क्या था, फॉर्मेट करने का आखिर उन लोगों का इरादा क्या था, क्या ऐसा चीज था सुशांत सिंह राजपूत के लैपटॉप में जिससे किसी ना किसी को हानि पहुंच सकता था, जिसके कारण वो 5 लोग आए, उसके बाद उनके पूरे लैपटॉप को फॉर्मेट कर दिया। अब बताया जा रहा है सिद्धार्थ पिठानी के द्वारा कि कहीं ना कहीं वो 5 लोग सुशांत सिंह राजपूत मामले में सबसे बड़ा सबूत है। अब कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम उसी हार्ड ड्राइव के जरिए से अब उन 5 लोगों की गिरफ्तारी करेगी। आज ही का दिन तय हुआ है, आज पता चल जाएगा कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी उन 5 लोगों का जो लिस्ट दिया है, उनमें से किनका नाम आ सकता है सामने। क्या वो बड़े लोग हैं या कोई एक्टर है या कोई अभिनेता नेता है, जो भी लोग होगा उनका नाम अब सीधे सामने आ सकता है। अब सीबीआई की टीम उन 5 लोगों की गिरफ्तारी के लिए अपना टीम जो कि तैयार कर रही है, बताया जा रहा है कि वो 5 लोग या तो भारत में हो सकते हैं, नहीं तो भारत के अलावा वो कई और दूसरे देश में जो कि भाग गया होगा। अगर ऐसा होगा तो उन्हें ढूंढने में ज्यादा समय तो लगेगी ही, लेकिन अगर वो भारत में मिला तो फिलहाल बताया जा रहा है कि सीबीआई के द्वारा उसे ढूंढ लिया जाएगा। और जैसे ही वो 5ों लोग मिलते हैं, उनसे पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम कि आखिर वाकई में सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 जून की रात क्या सब हुआ था, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि उन 5 लोगों के वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत का इतना बड़ा मामला जो कि अब खड़ा हुआ है। अब कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी जो कि सीबीआई का साथ दे रहा है, वही दूसरी तरफ जो कि रिया चक्रवर्ती को हमेशा रिमांड पर लिया जा रहा है, उनको पीटा भी जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ये कबूल नहीं कर रही कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने क्या क्या किया। अब जैसे इन सभी के मामला अब सामने आएगा, इनके बारे में कोई भी सबूत सामने आएगा, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पर जरूर दूंगा। चलता हूँ अगले वीडियो में, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।